एक बच्चे के मुख के शब्द थे ये, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब क्या होता है? शिवोहम, व्हाट डज इट मीन? मैं ही शिव, शिवोहम, आई एम शिव। और ये सुन के जो अंदर भाव जन्म लेता है, वो भाव परमानेंट क्यों नहीं है? परमानेंट इसलिए नहीं रहता है बिकॉज शिव बोलते हैं सेकंड सूत्र, ज्ञानम बंधः। बड़ा रेवोल्यूशनरी, ज्ञानम बंधः मतलब ज्ञान बंधा है, ज्ञान बंधन है। मतलब कैसे? ज्ञान को तो हम लिबरेशन बोलते हैं, बंधन कैसे बन गया? कौन से ज्ञान की बात जो कि बंधन है? ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला ज्ञान, आई का जो फीलिंग है वो पहला ज्ञान कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। पहला ज्ञान है मैं इंपॉर्टेंट हूं, वो बंधन बन जाता है। क्योंकि जब तक आपका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगा, तब तक शिव कहां दिखेंगे? आई इज द फर्स्ट ज्ञान विच इज एन ऑब्स्टिकल इन मेकिंग यू फील शिवोहम शिवोहम। मैं, आपने मैं को कहीं देखा है क्या? एक काम करो, शांति से पेड़ के नीचे बैठ जाओ, शांति से बैठो और ढूंढो कि मैं कहां है। आपको मैं कहीं नहीं मिलेगा, हूं जरूर मिल जाएगा। मैं हूं में मैं नहीं मिलेगा, हूं मिल जाएगा। क्योंकि जब आप हूं को देख लेते हो ना अंदर, जब हूं को देख लेते हो तभी तभी मैं का आभास धीरे धीरे कम होता है। जब तक मैं रहेगा वो नहीं दिखेगा, जब तक आईनेस रहेगी एमनेस नहीं दिखेगी। आई को दूसरा नाम दिया गया है ईगो। और जब ईगो आपसे बड़ी हो जाती है फिर क्या होता है? तब एक ही भाव आता है कि ये दुनिया मेरे लिए क्या करेगी। और जब एमनेस आपसे बड़ी हो जाती है, जब हूं बड़ा हो जाता है, एमनेस बड़ी हो जाती है, तो क्या भाव आता है? मैं दुनिया के लिए क्या करूंगा? जब तक आईनेस से एमनेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, होश आना बेहोशी पड़े रहोगे। महावीर से किसी ने पूछा था कि साधु कौन होता है, तो उन्होंने बड़े शांत तरीके से कहा था, वही साधु है जो होश में। आईनेस का मतलब क्या है? दुख। जितने आप बेहोश हो उतने ही आप दुख को निर्मित कर रहे हो अपने आसपास। मेरा मैं गायब हुआ तो मुझे मेरे हूं में और इस वृक्ष के हूं में कुछ अंतर नहीं दिखता, मेरे हूं में इस संसार के हूं में कुछ अंतर नहीं दिखता। और सब तरफ जब हूं ही रह जाता है, सब तरफ सिर्फ एमनेस ही रह जाती है, वही है शिव। मेरे को जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वर्ल्ड दिख रहा है। और उधर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं
तो मेरी डायरेक्शन ऑफ सर्च कहाँ है? टोटली ऑपोजिट साइड, पीछे मुड़ ही नहीं रहा हूं, एक्चुअली यही है। मुड़े नहीं हो आप, इस तरफ ही देख रहे हो, तो आपको सिर्फ संसार 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 दिख रहा है। आप मुड़े कहो, यही आंखें आपको पदार्थ के घूंघट से परमात्मा के दर्शन करवाएंगे। इन आंखों को कभी फोड़ मत लेना गलती से, क्योंकि यही आंखें जो आज आपको इस संसार के दर्शन करवा रही है ना, मुड़ने के बाद यही आंखें आपको शिव के दर्शन करवाएंगे।